Assalamualaikum SLS student, how are you? I hope you will be fine, alhamdulillah. SLS student, आज हमने कंप्यूटर के लेक्चर नंबर 15 में बुक रीडिंग करनी है, तो सबसे पहले आप अपनी बुक निकालें कंप्यूटर की और डेट एंड डे मेंशन करें, पेज नंबर 44 to 48। डेट हमारे पास है 12th August, रीडिंग एंड वेनसडे। वन क्लास पेज नंबर 44 पर हमारे पास एक्टिविटी है, ठीक है, जो आपने कंप्यूटर पे इसको करना है। ड्रॉ द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फिल कलर यूजिंग डिफरेंट ब्रश, ठीक है। आपने क्या करनी है, ये पिक्चर अपने कंप्यूटर के ऊपर ड्रॉ करनी है और इनमें कलर भी करने हैं, ठीक है। वन क्लास, नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल वन क्लास क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मोबाइल है तो आप कहते हैं कि मैं मोबाइल पर टेक्स्ट कर रहा हूँ, यानी मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर कंप्यूटर में भी क्या है, टेक्स्ट टूल है, जिस पर हम क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू राइट लेटर और वर्ड्स इन ड्राइंग एरिया, यूज़ ऑफ टेक्स्ट टूल। क्लिक ऑन द सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आपको ए का जो साइन नज़र आ रहा है इसका नेम है टेक्स्ट टूल, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर जाके क्लिक करनी है, ठीक है। मूव द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। अब आपने क्या करना है, माउस पॉइंटर को मूव करवाना है और ड्राइंग एरिया में लेके आना है, यानी कि जो आपके पास ये पेंट पेज है यहाँ पर, ठीक है। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग फॉर क्रिएटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। आपने क्या करना है, लेफ्ट यानी माउस पे जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस किए रखना है और माउस को ड्रैग करवाना है, तो आपके पास वन क्लास ये ऐसा ब्लॉक बन जाएगा जिसके ऊपर आप जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन टाइप इन द टेक्स्ट बॉक्स, तो आप इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टाइप इन कैपिटल लेटर, फर्स्ट प्रेस द कैपिटल कैप्स लॉक, ठीक है। यानी अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखना है तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से कैप्स लॉक को ऑन करना है और फर्स्ट लेटर उसका आप कैपिटल लिख लेंगे जो आपने टेक्स्ट लिखना जी स्टूडेंट। की फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कैप्स लॉक कहाँ पर है, कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है, की है। इफ़ यू वांट टू टाइप इन स्मॉल लेटर, डू नॉट प्रेस इट। अगर आप इसको स्मॉल लेटर में ही लिखना चाहते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर में नहीं करना चाहते, तो फिर आपने क्या करना है, इसको प्रेस नहीं करना, जस्ट टाइप सिर्फ लिखना है। इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी लेटर, अगर आपने कोई भी लेटर डिलीट करना है, फर्स्ट मूव द कर्सर नियर द लेटर एंड देन प्रेस डिलीट और बैक स्पेस की। आपने क्या करना है, सबसे पहले उस लेटर के करीब लेके जाना है माउस पॉइंटर को और फिर आपने डिलीट का बटन दबाना है या फिर बैक स्पेस की को आपने दबाना है, तो वो आपके लेटर जो आपने लिखा था वो लेटर आपका डिलीट हो जाएगा। अब आपकी जो होम असाइनमेंट है इस पर आपने अपना पेंट पेज ओपन करना है, ठीक है, और उस पर आपने टेक्स्ट जो टूल है उसको ढूंढना है और उसी तरह से एक बॉक्स ड्रा करना है और बॉक्स के अंदर अपना नेम या अपने फ्रेंड का नेम राइट करना है, ओके वन क्लास जी स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास है कर्व टूल। कर्व टूल कैसी है, इसको हम पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर टूल्स में ये जो शेप्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर कर्व टूल भी दिखाई दे रही है, ठीक है। कर्व टूल यानी हम इसको जिस शेप में रखना चाहते हैं इस कर्व को, हम वैसे ही इस कर्व टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस टूल इज़ यूज टू ड्रा अ स्मूथ कर्व, ठीक है, ये स्मूथ कर्व ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होती है। यूज़ ऑफ द कर्व टूल,
क्लिक ऑन कर्व टूल, जस्ट हमने इसके ऊपर जाकर हमने क्लिक करनी है। मूव द माउस पॉइंटर ऑन ड्राइंग एरिया एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल। आपने क्या करना है, मूव करवाना है अपना माउस पॉइंटर ड्राइंग एरिया में, ठीक है, जहाँ पर पेंट पेज है, ठीक है, वहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है किसी भी एंगल से, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। क्लिक ऑन द लाइन वेयर यू वांट टू कर्व इट एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन। आपने क्या करना है, क्लिक करना है उस लाइन के ऊपर, ठीक है, वेयर यू वांट टू कर्व इट एंड होल्ड द माउस लेफ्ट बटन, और माउस से उसको होल्ड करना है और जिस शेप की आप कर्व बनाना चाहते हैं उसको आपने उसी शेप में कर लेना है। नाउ ड्रैग द पॉइंटर टू एडजस्ट द कर्व, यानी कि उसको ड्रैग करके जहाँ पर जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं माउस से उसको होल्ड करके आप यानी बना सकते हैं, ठीक है। वन क्लास आज की हमारी यही रीडिंग थी, इसको आपने अच्छे से याद करना है, जो मुश्किल लफ्ज़ हैं इसमें उनके स्पेलिंग आपने याद करनी है, ठीक है, और रीडिंग तैयार करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।